नमस्कार दोस्तों, ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। हम आप बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का मोमेंटम आज कैसा रहा और कल एक्सपायरी का दिन क्या कमाल कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी या यहीं पे रेंज बाउंड करके प्रीमियम इरोजन करके लोगों का टाइम वेस्ट करके पैसा घटा देता है, क्या करता है बैंक निफ्टी निफ्टी देख लेते हैं। आज के मोमेंट कैसा था, एक डाउन में हुआ। सो सुबह जो मार्केट खुला वहाँ पे तो थोड़ा नेगेटिविटी तो दिखाया, ओके। फर्स्ट 15 मिनट से कुछ काम नहीं किया और वहाँ से नीचे आ गया, ओके। यहाँ पे बेयर ट्रैप बनाया, लोगों को फंसाया पी साइड में और सीधा तुरंत ऊपर चला गया, ओके। थ्रू आउट द मार्केट जो जो पी लेके बैठ गए थे उसका तो ले गया मार्केट सारा, ओके। एक बुलिशनेस बना हुआ था और एक क्लोजिंग दिया था 15,853, ये जो क्लोजिंग है वो एक बढ़िया क्लोजिंग है, लेकिन देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट अगर इसका साथ दे पाएगा या नहीं, क्योंकि यूएस मार्केट में कुछ हलचल चल रहा है बॉन्ड यील्ड्स के मुकाबला। सो वहाँ पे न्यूज़ कैसा आएगा, डाउ जोन्स नैस्डैक कैसा परफॉर्म करेगा, सुबह एसजीएक्स निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, ये सब आपको हमारा मार्केट का एक डायरेक्शन बताएगा। ये जो ट्रेंड लाइन जो बना है, ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट चलना शुरू कर दिया सो तेज़ी दिखा सकता है 15,880 तक, इसको भी ब्रेक कर दिया तो 15,900, ओके। वहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार यही कहीं पे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके बार बार रिजेक्शन किया है। सो समर के ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी क्लियर कट डायरेक्शन बनाने में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों विफल रहे हैं। सो एक कंफ्यूजन में सबको यहाँ पे रुकावट दिया गया है। ऑप्शन चेन में क्या बिल्डअप है निफ्टी में ये देख लीजिए। ऑप्शन चेन में भी आपको ऐसा ही डेटा कुछ दिखेगा, यहाँ पे 15,850 जो स्पॉट मनी है एट दी मनी, यहाँ पे सपोर्ट है 20,557 कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पे कॉल साइड आप देख सकते हैं सभी नेगेटिव डेटा है, अनवाइंडिंग हुआ है कॉल साइड में, लेकिन 14,000 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है 15,900 में, ठीक है। और उसके ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, 16,000 में थोड़ा जबरदस्त हुआ है, लेकिन डाउन साइड में ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। कभी कभी आप ये ऑप्शन डेटा को एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट गैप अप होगा, लेकिन फ्लैट मार्केट होगा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सब जो राइटिंग हुआ है इसको स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो इसको यहाँ पे क्लियर करना है, ये रहेगा मार्केट का मकसद। सो ये देख के आप ये मत सोचे कि मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा और ऊपर नहीं सस्टेन हो जाएगा, थोड़ा गैप अप खुला तो भी फिर से नीचे आएगा, प्रीमियम इरोजन करेगा, सारा प्रीमियम इरोजन करके बाद में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा एक्सपायरी का 00 स्पेशल जैसा, ओके। सो ये मार्केट का हालत है, स्ट्रांग सपोर्ट है, वीक रेजिस्टेंस है, अपसाइड गैप अप खुलना चाहिए ऑप्शन चेन एनालिसिस के मुकाबले, ओके। हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए ऐसा ही है, ये कुछ कहानी है। ये सब प्राइस एक्शन आप सीखने के लिए हमारा वर्कशॉप है, 3 डे वर्कशॉप है। 3 डे वर्कशॉप में अगर आप जुट जाएगा तो ये सब एनालिसिस आपका खुद का एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। हमारा भी सहारा आपको मिलता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वहाँ पे भी हम आपका सहारा दे सकता है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में हम आपका मदद नहीं कर सकता है क्योंकि हम भी बिजी चलते रहता है। लेकिन जो वर्कशॉप आपको दिया जाएगा उससे इतना बहुत आप कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी, एक बढ़िया स्ट्रेटजी, 3-4 स्ट्रेटजी को लगा के रोज़ आपका प्रॉफिट आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है, प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी कमा सकता है, ठीक है। और ये कहते हुए बैंक निफ्टी पे और हम चलेंगे। बैंक निफ्टी में भी यही एक सिनेरियो बना है, कि नीचे एक गैप बनाया, डाउन में खुला और एक कंसोलिडेशन यानी टाइम वेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया टाइम वेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट किया और नीचे आया टाइम वेस्ट किया, ओके। फिर से यहाँ पे नीचे आया, एक लॉन्ग रेड स्पाइक कैंडल बनाया, उसके बाद थोड़ा ग्रीन कैंडल भी बनाया, ठीक है। टोटली इंडिसिसिव रहा बैंक निफ्टी आज, जाना चाहिए था 35,800 के ऊपर, क्योंकि गैप अप ही होना चाहिए था। कल का क्लोजिंग से 3-4 पॉइंट लो ही क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर गैप अप हो गया तो 750-780 में गैप अप हो गया, 800 को भी क्रॉस कर दिया, 35,900 तक ये जा सकता था, लेकिन नहीं गया, गैप डाउन करा दिया और ऊपर नीचे करके मार्केट को टाइम वेस्ट करा के कुछ नहीं किया। सो ये रेंज में अभी फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, किधर भी साइड ये ब्रेक होगा उधर साइड आप अपना पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का स्थिति है चार्ट में। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है।
निफ्टी तो ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है, वीक रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में क्या है, देखिए बैंक निफ्टी में कुछ अलग ही बता रहा है। 35,700 जो एट दी मनी है, पुट रेटिंग 7,500 है, 5,000 नीचे 35,600 में है, कोई उतना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। 35,200 में 6,800 कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है, ये पुट साइड में है। कॉल साइड में आप देखिए 11,000 करीब 35,700 में ही है, 11,400, 11,300 यहाँ पे 35,800 और 900, तो एक रेंज में फंसाने का एक चाल है। कल भी एक रेंज बाउंड रहेगा, कहीं भी रेंज ब्रेक करेगा या डाउन साइड या अप साइड एक अच्छा 00 कॉल जनरेट कर देगा बैंक, ठीक है। ये निफ्टी से थोड़ा अलग है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक है, निफ्टी इसका अपोजिट चल रहा है, ठीक है। दोस्तों कल का एक स्टॉक आपको दिया था, ये ग्रासिम है, यहाँ पे देखिए हमने बोला था अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चलेगा तो ऊपर साइड, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा तो नीचे साइड, ठीक है। सो 10-20 पॉइंट सुबह ही आपको नीचे मिल जाए, उसके बाद फिर से तेजी लाने का कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया, एक रेंज में फंस गया, ठीक है। आपको यहाँ पे दो स्विंग जरूर मिला होगा, वोलेटिलिटी भी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, आपको ट्रेडिंग करने का मौका ग्रासिम ने आपको दिया। कल एम्फेसिस, क्योंकि एम्फेसिस अभी ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, यहाँ से एम्फेसिस ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से देखिए दो रेड कैंडल बना हुआ है, अगर यहाँ से गिरता है तो नीचे गिरता है, यहाँ तक ज़रूर आना चाहिए 2,325 तक, अगर ये हाई ब्रेक कर दिया तो इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग आपको चलेगा, किसी भी साइड आप बैठ सकते हैं, सेल साइड या बाय साइड, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह कैसा आप चलिए। और हमारा कोर्स जो है 3 डे का ऑप्शन वर्कशॉप है, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग का, निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन में कैसा काम करना है, कौन सा एक अनोखा स्ट्रेटजी आपको लगाना है और उससे पैसा कमाना है, इसके बारे में 3 डेज वर्कशॉप रहेगा। वर्कशॉप ज्वाइन करने का इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ग्रुप का एडमिन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वर्कशॉप में आप हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सीखने के बाद काम करेगा तो मुनाफा ज़रूर होगा, ये बताते हुए हम कल के लिए एम्फेसिस के बारे में आपको बता दिया और ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। जय हिंद।